Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today the practical problem which we are going to solve is obviously question number 2 wala practical problem hai, 11th commerce bookkeeping and accountancy chapter number 2. और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स. मैंने आपके लिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट प्लस जो फंडामेंटल रूल्स हैं इनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं स्टूडेंट्स, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली गो थ्रू. अगर ये फंडा हमें मतलब रूल याद हो गया अबाउट, यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड हियर स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग चेंजेस इन असेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, क्योंकि फॉर्मेट ही मॉडर्न अप्रोच का ऐसा है, तो डेफिनेटली वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम वेरी इन अ वेरी वेरी इजी मैनर. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव ऑल्सो शोन यू ऑल द रूल्स हियर ऑन दिस एंड. And these are the 12 transactions, children. Let's get started. Before going ahead, new people to my channel, kindly like, subscribe and share. So that video got to be very useful to everybody. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं students. Now this is the question. Prepare a chart showing analysis of the following transaction in a tabular form according to the modern approach. तो यहाँ पर increase decrease होगा. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज, वो ट्रेडिशनल अप्रोच था. तो ये मॉडर्न अप्रोच में हम इंक्रीज इन असेट डिक्रीज इन असेट व्हाट सो एवर वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड सो ऑन. तो चलिए, ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट में लिख दिया है स्टूडेंट्स. नाउ दिस इज द फॉर्मेट. आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट द फॉर्मेट. सीरियल नंबर है, ट्रांजेक्शन है, टू एस्पेक्ट्स हमें फिर से लिखना है, अकाउंट्स इन्वॉल्व लिखना है, कैटेगरी. प्रीवियस ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किया था, यहाँ पर कैटेगरी आ चुका है. देन रूल्स अप्लाइड, अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज थोड़ा सा आपको उसका डिफरेंस पता चले कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्या किया था एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन द मॉडर्न अप्रोच. आई हैव ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, तो वो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. फर्स्ट है मिस्टर मेघना. ओके, वन मिनट. मेघराज, सॉरी, इज दैट्स व्हाट आई वाज वंडरिंग. मेघराज, ठीक है, ओके. मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹30,000. स्टूडेंट्स, हमारे जो एस्पेक्ट्स वो यहाँ पर आ जाते हैं. क्या है एस्पेक्ट? फर्स्ट इज व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, व्हाट हैपन्स, बिजनेस में यू पैसे आ जाते हैं, तो कैश कम्स इन एंड मेघराज इज द प्रोपराइटर. तो हु इज द पर्सन? मेघराज इज द गिवर, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे प्रोपराइटर, क्योंकि वेन वी आर रिकॉर्डिंग वी आर यूजिंग द टर्म कैपिटल. सो दैट्स वाई वी विल राइट प्रोपराइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल. ठीक है, देन अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली कैश कम्स इन है, तो कैश अकाउंट है फर्स्ट वन. और सेकेंड, यही मैं आपको बता रही थी कि सेकेंड जो अकाउंट हम कंसिडर करते हैं वो है कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कैटेगरीज जब हमें लिखनी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैटेगरीज हमको लिखना है, आइदर दे आर असेट्स, लाइबिलिटीज, रिमेंबर, एक्सपेंस, इनकम एंड वॉट सो एवर. तो कैश हमारा ऑब्वियसली क्या है? असेट्स है स्टूडेंट्स. ओके, एंड कैपिटल क्या है? कैपिटल विल डेफिनेटली कम इन कैपिटल अकाउंट, है ना. यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा रूल क्या दिखाता है. यू कैन कैपिटल जब हम लिखते हैं, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में ही आएगा. ठीक है, तो वी विल राइट हियर कैपिटल अकाउंट. यहाँ हमें रूल्स जो अप्लाई करने हैं स्टूडेंट्स, कौन से रूल है? आइदर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. तो जब बिजनेस में कैश आ रहा है तो ऑब्वियसली देर इज इंक्रीज इन असेट, एंड प्रोपराइटर इज द गिवर, तो देर इज इंक्रीज इन द कैपिटल. तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल. और जो दो अकाउंट यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, जो अकाउंट डेबिट होता है ऑब्वियसली वो है आपका कैश अकाउंट, और जो क्रेडिट होता है वो है डेफिनेटली कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक से
ऊपर लेते हैं सो दैट इट लुक्स कूल, ठीक है। देन सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारा है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया रुपीज़ 2000। स्टूडेंट्स आपने क्या किया है यहाँ पे, आपने कैश को डिपॉजिट किया है, तो हमारा जो एस्पेक्ट है फर्स्ट कैश आपने डिपॉजिट किया है, तो कहाँ डिपॉजिट किया है, बैंक ऑफ इंडिया में, तो डेफिनेटली बैंक इज़ द रिसीवर, आप लिख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया इज़ द रिसीवर, ओके। जब आप कैश डिपॉजिट करते हो स्टूडेंट्स तो क्या हो जाता है, कैश गोज आउट, आपके हाथ से चले गए ना, इवन दो यू हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ इंडिया लेकिन आपने डिपॉजिट किया है तो कैश इज गोइंग आउट। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व जो है, फर्स्ट अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है आपका बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, आप बैंक भी लिख सकते हो बट इट्स बेटर कि जो उन्होंने दिया है वही हम लिखें, बैंक अकाउंट, ओके, बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है डेफिनेटली हमारा कैश अकाउंट। तो अब बताओ मुझे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट क्या है, ऑब्वियसली बैंक ऑफ इंडिया और बैंक अकाउंट इज असेट ओनली, है ना, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, इट्स ऑल असेट्स। सो आप लिखोगे यहाँ पे असेट्स अकाउंट, कैश अकाउंट क्या है वो भी असेट्स अकाउंट है, ठीक है। अब मुझे बताइए जब आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक ऑफ इंडिया में तो क्या हो गया, यहाँ पर आपके बैंक में पैसे इंक्रीज हो रहे, तो यहाँ पर आप लिखोगे इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन असेट्स, और यहाँ पे कैश इज गोइंग आउट मतलब देयर इज डिक्रीज इन, डिक्रीज इन असेट्स, ओके। तो कम ऑन स्टूडेंट्स टेल मी यहाँ पर क्या होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट और बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट स्टूडेंट्स, आई होप दिस आर वेरी सिंपल, और हमने ये प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी सॉल्व किया है, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू प्रैक्टिस स्टूडेंट्स आपको इसका मतलब बहुत ही हैंडी हो जाता है, ये हैंडी इन द सेंस आप एक्सपर्ट हो जाते हो, इट इज़ लाइक यू नो यू कैन इमीडिएटली डू इट, तो यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ओके, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। बट एनीवेज सेकेंड ट्रांजेक्शन हो चुका है, चलिए थर्ड ट्रांजेक्शन लिखते हैं, विड्रू कैश रुपीज़ 1000 फॉर पर्सनल यूज। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्वियसली प्रोप्राइटर ने ही पैसे निकाले होंगे ना, तो यहाँ पर व्हेन यू विड्रू कैश ऑब्वियसली व्हाट इज हैपनिंग, यू आर विड्रूइंग द कैश फॉर पर्सनल यूज, इजंट इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर यू आर टेकिंग द मनी आउट फॉर पर्सनल यूज, इजंट इट। तो विड्रू कैश मतलब ऑब्वियसली पैसे किसके पास आ रहा है, प्रोपराइटर ने पैसे विड्रॉ किए तो प्रोपराइटर इज द रिसीवर, ओके। सो बिजनेस से कैश बाहर भी तो जा रहा है तो कैश इज गोइंग आउट, तो डेबिट में आप लिख सकते हो प्रोपराइटर, प्रोपराइटर इज द रिसीवर, ठीक है, ओके। बट जो टर्म हम अभी यूज करते हैं प्रोपराइटर नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये विड्रॉ किया गया है, जो द टर्म जो यूज करते हैं मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दूँ, ड्रॉइंग्स अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा, ओके, आई विल जस्ट एनलार्ज दिस, या प्रोपराइटर इज द रिसीवर सही है, लेकिन यहाँ पर प्रोपराइटर विड्रॉ कर रहा है तो ये उसका ड्रॉइंग्स है, तो आई जस्ट रिटर्न ड्रॉइंग इन द ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा, सी विड्रॉ कौन कर रहा है, बाय डिफॉल्ट अगर बिजनेस का प्रोपराइटर ही विड्रॉ कर रहा है तो व्हाट इज कमिंग इन फॉर हिम, आई मीन टू से व्हाट इज रिसीविंग, ही इज रिसीविंग द कैश राइट, लेकिन वो अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है तो ऑब्वियसली बिजनेस से पैसे जा रहे हैं ना, तो कैश इज गोइंग आउट। तो फर्स्ट हमारा जो जो इफेक्ट है दैट इज प्रोपराइटर इज द रिसीवर, सेकेंड है कैश गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। सो यहाँ पर हम अकाउंट जो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे वो प्रोपराइटर नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल से ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। एक है हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट जो अफेक्ट हुआ है, आई एम सॉरी अकाउंट्स इन्वॉल्व, एंड द सेकेंड वन इज
सेकेंड वन इज ऑब्वियसली वॉट इज गोइंग आउट कैश, तो सेकेंड इज कैश अकाउंट, ठीक है. देन व्हाट इज द थर्ड इज कैटेगरी है ड्रॉइंग अकाउंट कौन सा है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली इट इज अ कैपिटल अकाउंट. यू नो सी ड्रॉइंग्स अकाउंट इज अ कैपिटल अकाउंट क्योंकि जब पार्टनर है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही हुआ ना स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर उन्होंने विड्रॉ किया है तो ऑब्वियसली ड्रॉइंग्स हम लिख रहे हैं, तो ड्रॉइंग्स कम्स अंडर वॉट, ड्रॉइंग्स कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट. तो उनका जो अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट. ओके एंड सेकेंड कैश इज वॉट असेट्स. तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कम ऑन टेल मी. एक तो आपका जो लायबिलिटी है, आई मीन टू से कैपिटल है, सॉरी नॉट लायबिलिटी, कैपिटल है, वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने पैसे विड्रॉ किए ना, आपने मतलब किसने, प्रोप्राइटर ने पैसे विड्रॉ किए. ओके तो इसीलिए तो उनका जो ड्रॉइंग्स अकाउंट है, जो पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट है, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. सो डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल. ओके क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं डिक्रीज इन कैपिटल, इसीलिए मैंने ये भी आपको दिखाया है. इंक्रीज इन, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट करना है, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कैपिटल, आपका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज को हमें डेबिट करना है. व्हाट द लॉस इज, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिक्रीज इन कैपिटल जो ड्रॉइंग्स अकाउंट है वो डेबिट होगा, ठीक है. देन असेट्स क्या हो रहा है, गोज आउट, तो असेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन असेट्स. एक बार मैं आपको रूल दिखा दूँ स्टूडेंट्स, आई होप यू रिमेंबर. डिक्रीज इन असेट हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है. सी इंक्रीज इन असेट डेबिटेड, डिक्रीज इन असेट क्रेडिटेड. तो यहाँ असेट डिक्रीज हो रहा है, यहाँ असेट डिक्रीज हो रहा है, कैश इज गोइंग आउट, तो डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड. तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है. चलो लेट्स गो टू द फोर्थ ट्रांजेक्शन नाउ. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश, तो आपने परचेज किया है गुड्स फ्रॉम नीलेश, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो फर्स्ट इफेक्ट है परचेज इज एन एक्सपेंस. ओके सेकेंड है कौन है, नीलेश इज द गीवर, ठीक है. तो नीलेश इज द गीवर, आपने गुड्स तो नीलेश से परचेज किया, लेकिन आपको आगे चल के नीलेश को देना है ना ये पैसे, तो ऑब्वियसली ये लायबिलिटी है, वो हम देखेंगे. लेकिन दो अकाउंट्स जो इन्वॉल्व है, एक है आपका परचेज अकाउंट और दूसरा कौन सा है, नीलेश अकाउंट. ओके ऑब्वियसली परचेज अकाउंट कौन सा कैटेगरी में आता है स्टूडेंट्स, इट इज एक्सपेंस अकाउंट में आता है. नाउ नीलेश कौन है, नीलेश हमारा अब क्रेडिटर हो गया ना, क्योंकि इसको पैसे पे करने हैं. क्रेडिट में आपने नीलेश से लिया है, लेकिन आगे चल के नीलेश को पे करना तो पड़ेगा ना. तो हमारा जो कैटेगरी है सेकेंड, वो है लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है. सो क्या है हमारा रूल यहाँ पे स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ एक्सपेंस आपको क्या करना है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है ना, आपने परचेज किया है गुड्स ऑन क्रेडिट, तो देर इज इंक्रीज इन एक्सपेंस हैज टू बी डेबिटेड, है ना, एज पर रूल increase in expense has to be debited. एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूँ चार्ट, increase in expenses is debited, ठीक है. then
सेकेंड है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी क्या हो रही है, यू हैव टू पे ना, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। एक बार रूल देख लेते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड, तो हमको क्या करना है, वी हैव टू क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, तो इन दिस केस कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ऑब्वियसली परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सेकेंड निलेश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। लिखो यहाँ पे निलेश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, सो एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो आई होप ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑन द सेम पेज एंड यू ऑल आर ऑल्सो सॉल्विंग ऑन द अदर हैंड। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 5 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, कैश परचेजेस। वेरी सिंपल, तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपने गुड्स को, इट मे बी गुड्स ओनली ना, यू हैव डन सम परचेजेस, एनी मे बी गुड्स, लेकिन परचेजेस, लेकिन वो भी कैश, तो यू आर परचेजिंग एंड योर कैश इज गोइंग आउट। तो फर्स्ट हमारा जो है वो है परचेज इज एन एक्सपेंस, फर्स्ट इफेक्ट जो है वो है परचेज इज एन एक्सपेंस। ओके, सेकेंड क्या हो रहा है, आपने कैश परचेजेस किया है, तो कैश गोज आउट, है ना। तो कौन से है वो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, एक है हमारा परचेज अकाउंट और दूसरा है हमारा कैश अकाउंट, सी है ना। देन कैटेगरीज की तरफ चलते हैं, परचेज क्या है स्टूडेंट्स, परचेज एक्सपेंस अकाउंट है और कैश जो है हमारा असेट अकाउंट है। ठीक है, सही है ना। देन एक्सपेंस, यहाँ पर आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, आप कैश परचेजेस कर रहे हो, मतलब आप कैश देकर अपना काम कर रहे हो, मतलब गुड्स ले रहे हो, तो देर इज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हमको क्या करना है, डेबिट करना है। प्रीवियस प्रॉब्लम एग्जाम्पल में भी हमने देखा इंक्रीज इन एक्सपेंसेस को डेबिट करना है एंड सेकेंड कैश इज गोइंग आउट, तो देर इज डिक्रीज इन असेट, सो डिक्रीज इन असेट विल बी, डिक्रीज इन असेट विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ लिखना है डिक्रीज इन असेट्स। ओके, तो हमारा ये फिफ्थ ट्रांजेक्शन भी खत्म हो गया है, तो यहाँ पर इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हो चुका है डेबिट एंड डिक्रीज इन असेट्स, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली परचेज अकाउंट का डेबिट होगा एंड कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। इट्स वेरी सिंपल बेस्ड ऑन दोज फार्मूला स्टूडेंट्स, जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच हमने बेस्ड ऑन द फार्मूला किया था व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, वैसे ही फिर से बता रही हूँ मॉडर्न अप्रोच में हमें ये देखना है कैटेगरीज कौन सी है और रूल कौन से अप्लाई होते हैं। ठीक है, चलिए सिक्स पॉइंट पर चलते हैं, पेड वेजेस। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, इन दिस केस ऑब्वियसली जब आप पे करते हो वेजेस, तो वेजेस इज एन, वेजेस इज क्या है, इज एन एक्सपेंस ऑब्वियसली। और आप जब वेजेस पे कर रहे हो तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, या पेइंग, तो पैसे, वन मिनट, तो पैसे जा रहे, कैश इज और कैश गोज आउट। ठीक है, तो कम ऑन स्टूडेंट्स, कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व होगा, एक होगा हमारा वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट। ओके, देन कैटेगरीज, वेजेस अकाउंट ऑब्वियसली किस में आएगा स्टूडेंट्स, एक्सपेंस अकाउंट में आएगा, एक्सपेंस अकाउंट में आएगा। और कैश अकाउंट हमारा क्या है, असेट्स अकाउंट है, असेट्स अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यू आर पेइंग वेजेस, तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट रूल क्या कहता है, डेबिट करो अगर इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। ठीक है,
और कैश गोज आउट इसका मतलब है डिक्रीज इन व्हाट, डिक्रीज इन असेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ऑब्वियसली आपका वेजेस अकाउंट, आपका वेजेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, एज सिंपल एज दैट, बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, देन परचेज्ड अ चेयर फॉर ऑफिस यूज, ओके, और रुपीज 3,200। स्टूडेंट्स चेयर अकाउंट नहीं होता है ना, और आप अगर चेयर परचेज कर रहे हो या टेबल परचेज कर रहे हो या कुछ भी ऐसे परचेज कर रहे हो तो वो सब आता है एक हेड में, हेड ऑफ थिंग्स में, वो उसको हम फर्नीचर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो या परचेजिंग ऑन स्पेसिफाई किया है चेयर, तो हम लिखेंगे परचेज्ड अ चेयर फॉर, आई एम सॉरी, यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है परचेज्ड अ चेयर फॉर ऑफिस यूज 3,200, कुछ दिया नहीं है, क्रेडिट है, क्या है, तो हमें कंसिडर करना है इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर हम चेयर के बजाय उसको क्लासिफिकेशन में लेंगे एज अ फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यू आर परचेजिंग चेयर, तो फर्नीचर कम्स इन, तो सेकेंड क्या हो रहा है, यू आर परचेजिंग फॉर ऑफिस यूज एंड वी आर कंसिडरिंग इट एज अ कैश ट्रांजेक्शन, सो कैश गोज आउट। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट अकाउंट है यहाँ पे आप देखिए फर्नीचर अकाउंट हमें लिखना है, ओके, और सेकेंड अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट। कैटेगरीज फर्नीचर अकाउंट इज विच कैटेगरी स्टूडेंट्स, कम ऑन, ऑब्वियस है, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर इज असेट, सो असेट्स अकाउंट, और कैश अकाउंट भी हमारा असेट ही है, सो वी विल राइट असेट्स अकाउंट। ठीक है, सी वंस वी आर क्लियर अबाउट द कंसेप्ट ना चिल्ड्रन, तो बाकी सारी चीजें इजी हो जाती है। अब देखिए फर्नीचर इज कमिंग इन मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन अकाउंट हमको डेबिट करना है, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका फर्नीचर आ रहा है मतलब असेट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ हमें लिखना है इंक्रीज इन असेट्स, जो डेबिट होगा इंक्रीज इन असेट्स, और यहाँ क्या हो रहा है, कैश इज गोइंग आउट, तो ऑब्वियसली डिक्रीज इन असेट्स। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ऑब्वियसली हमारा फर्नीचर अकाउंट, और डिक्रीज इन अकाउंट मतलब यहाँ पे कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सेवंथ ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स, या इंक्रीज इन असेट को हम थोड़ा सा यहाँ लेते हैं, नाउ इट लुक्स कूल, है ना, तो हमारा जो एंट्री है वो है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, लेट्स गो टू द एथ ट्रांजेक्शन चिल्ड्रन, नाउ सी हियर, सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ रुपीज 1,200। तो पहला एस्पेक्ट तो यही है कि हमारा जो मोहन है, मोहन इज द रिसीवर, एंड सेकेंड सेल हुआ है, गुड्स हैव बीन सोल्ड, तो सेल्स इज एन इनकम, है ना स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इज मोहन इज द रिसीवर, ओके, सेकेंड एस्पेक्ट है सेल्स इज एन इनकम। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। नाउ अकाउंट्स इन्वॉल्व जो है, एक है हमारा मोहन्स अकाउंट, डेफिनेटली मोहन्स अकाउंट, और दूसरा होगा हमारा सेल्स अकाउंट। अब कैटेगरी की जब बात आती है स्टूडेंट्स, आपको कंसीडर करना है, सी यू आर सेलिंग गुड्स टू मोहन, ठीक है, तो ये क्या है, मोहन हमारा डेटर है, आगे चल के ये हमको पैसे करेगा ना, तो डेटर है, तो क्या है, डेटर इज अ असेट टू द फर्म, क्योंकि पैसे आने वाले हैं ना मोहन से, तो ऑब्वियसली मोहन्स अकाउंट विल द कैटेगरी जहां पर हम लिखेंगे वो होगा असेट्स अकाउंट। आई विल टेल यू वंस अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोहन इज द रिसीवर, करेक्ट, तो मोहन्स अकाउंट हमने अकाउंट इन्वॉल्व में आ चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मोहन इज अ डेटर, तो जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखा था तो डेटर असेट्स में ही आता है, तो दैट्स व्हाई
I'll just write here somewhere if possible. 1 minute. यहाँ पे ऊपर लिख दूँ क्या है, डेटर है, मोहन इज अ डेटर. तो डेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, डेटर असेट होता है. ओके, आई जस्ट मेक इट, यस. तो मोहन क्या है, डेटर है, इससे पैसे मिलने वाले हैं ना, तो दैट्स व्हाई इट इज कैटेगरी होगा असेट्स अकाउंट. एंड सेकेंड होगा हमारा सेल्स, क्या है, सेल्स इज अ क्या है, कम ऑन स्टूडेंट्स टेल मी, इनकम. तो हम लिखेंगे कैटेगरी सेकेंड ऑफ सेल्स इज इनकम अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ रूल क्या कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पे असेट्स में, देर इज अ मोहन इज अ रिसीवर बट देर इज अ इंक्रीज इन असेट, पैसे आने वाले हैं ना मोहन से. तो फर्स्ट होगा हमारा इंक्रीज इन असेट्स. ओके, एंड सेल्स इज एन इनकम है स्टूडेंट्स. तो क्या हो रहा है, आपने गुड्स सेल किए ना मोहन को, तो आपका इनकम क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग योर योर इनकम इज इंक्रीजिंग. सो देर इज इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम. ठीक है, जस्ट राइट दिस लिटिल बिट इन द सेंटर. यस, दिस ऑल्सो, यस. तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्स इज एन इनकम, सेल्स अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट का कैटेगरी इनकम अकाउंट है. तो यहाँ क्या हो रहा है, आपने सेल किया है तो आपका इनकम बढ़ रहा है. तो कौन सा अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो यहाँ पे, यू आर डेबिटिंग मोहन्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर ऑन द सेम पेज एंड यू आर डूइंग इट विथ मी और रिवाइजिंग एनी वन ऑफ द थिंग्स. सो लेट्स गो टू द 9th वन क्विकली. विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज. ओके, तो नाउ यहाँ पे वॉट इज द थिंग, योर कैश हैज बीन विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज. तो अगर ऑफिस यूज के लिए हमने, सी द प्रीवियस वॉज फॉर पर्सनल यूज, तो वो प्रोप्राइटर रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पर विड्रॉ हुआ है कैश का फॉर ऑफिस यूज, इसका मतलब है कैश आ रहा है, कैश कम्स इन. सेकेंडली, आपने विड्रॉ कहाँ से किया होगा, सी बाय डिफॉल्ट आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि बैंक से ही आपने विड्रॉ किया होगा. सो बाय डिफॉल्ट आपको बैंक एज द गीवर यहाँ पर कंसिडर करना है. ठीक है, तो एक हमारा जो एस्पेक्ट है वो है कैश कम्स इन, एंड सेकेंड इज बैंक इज द, सेकेंड इज बैंक इज द गीवर. ठीक है, तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है बाय डिफॉल्ट, एक है हमारा कैश अकाउंट और दूसरा है हमारा बैंक अकाउंट, इजंट इट चिल्ड्रन. ठीक है, वी जस्ट मेक इट लिटिल, यस. तो कैटेगरी हम जब लिखते हैं तो कैश क्या है स्टूडेंट्स, असेट्स है, असेट्स अकाउंट, और बैंक भी क्या है, असेट्स है. तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, असेट्स अकाउंट लिखना है. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका, कैश कम्स इन, तो इंक्रीज इन असेट हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज इन असेट हो रहा है, और बैंक इज द गीवर है, तो बैंक से कम हो रहा है, मतलब डिक्रीज इन असेट हो रहा है. तो फर्स्ट हमारा है उसको क्या करना है, डेबिट करना है. फर्स्ट इज इंक्रीज इन असेट्स हो रहा है, और सेकेंड इसमें डिक्रीज इन असेट्स हो रहा है. ठीक है, तो कौन सा अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट स्टूडेंट्स, सेकेंड डिक्रीज बैंक अकाउंट क्रेडिट. तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर एंड यू ऑल हैव डन ऑल्सो, आई एम अज्यूमिंग. ठीक है, तो लेट्स गो टू द 10th वन स्टूडेंट्स क्विकली. नाउ सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 9000. तो आपने क्या किया है,
ओल्ड फर्नीचर को सेल किया है। सोल्ड गुड्स मतलब कुछ तो आ रहा है ना, पैसे आ रहे, तो क्या आ रहे हैं यहाँ पर मेंशन कुछ नहीं किया है। तो जब ऐसे सिचुएशन या ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो यू हैव टू कंसिडर दैट यू हैव सोल्ड इट फॉर कैश। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगा कैश कम्स इन। ओके 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा, यस कैश कम्स इन। कैश कम्स इन एंड सेकेंड एस्पेक्ट है हमारा व्हाट इज गोइंग आउट स्टूडेंट्स, फर्नीचर। तो फर्नीचर गोज आउट। इस लाइन पे ये थोड़ा हमारा ये जो राइटिंग है ये रुपी फॉर इसमें आ रहा है, इसको हम टाइम्स करेंगे सो दैट इट विल लुक गुड। करेक्ट। तो जो अकाउंट इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, एक है हमारा पॉन्ड था जो प्रीवियसली आई जस्ट चेंज इट टू टाइम्स। ओके फाइन, अकाउंट्स इन्वॉल्व है कैश अकाउंट एंड सेकेंड इज फर्नीचर अकाउंट। करेक्ट। देन आपका जो कैश अकाउंट है वो है असेट्स है, कैटेगरी में आता है असेट्स अकाउंट, और फर्नीचर भी आपका क्या है स्टूडेंट्स, कम ऑन असेट्स। करेक्ट, असेट्स अकाउंट। तो कम ऑन, व्हाट इज हैपनिंग, योर सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। तो आपने क्या किया है, फर्नीचर सेल किया है ओल्ड फॉर कैश, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, कैश कम्स इन मतलब देर इज इंक्रीज इन असेट ना, जब आपने सेल किया तो कुछ तो आया होगा ना कैश, तो देर इज इंक्रीज इन असेट हियर, इंक्रीज इन असेट्स। और फर्नीचर गोज आउट मतलब देर इज डिक्रीज इन असेट्स एज वेल, देर इज डिक्रीज इन असेट्स। तो जब वहाँ इंक्रीज इन असेट्स होता है तो डेबिट हम क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट एंड सेकेंड विच अकाउंट क्रेडिटेड, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, आई होप एवरीबडी हैज़ डन दिस ऑल्सो। सो वी आर डन विद द 10 ट्रांजेक्शन, लेट्स क्विकली डू द रिमेनिंग टू, दे आर ऑल्सो वेरी सिंपल। रिसीव्ड डिविडेंड स्टूडेंट्स, रिसीव्ड डिविडेंड मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, कैश कम्स इन। तो योर रिसीविंग डिविडेंड मतलब डिविडेंड इज अ, डिविडेंड, डिविडेंड इज एन इनकम। ठीक है, देन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट एंड सेकेंड इज डिविडेंड अकाउंट, है ना। सेकेंड अकाउंट इज डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, तो कैटेगरीज जब हम बात करते हैं तो कैश अकाउंट हमारा एज यूजुअल असेट्स अकाउंट है स्टूडेंट्स, और डिविडेंड क्या है, कौन से कैटेगरी में आएगा, डिविडेंड इज अ इनकम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनकम अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है आपका, कैश कम्स इन का मतलब क्या है, असेट्स आपके इंक्रीज हो गए, तो आपको क्या करना है, डेबिट इंक्रीज इन असेट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट इंक्रीज इन असेट्स। ठीक है, सेकेंड जो है वो है इंक्रीज इन इनकम, आपका इनकम भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज इन इनकम। तो आपको कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, इंक्रीज इन असेट मतलब कैश अकाउंट डेबिट होगा एंड इंक्रीज इन इनकम हो रहा है, आपने डिविडेंड इज एन इनकम ना, यू आर रिसीविंग इट, तो इंक्रीज इन इनकम, तो इंक्रीज इन इनकम हैज़ टू बी क्रेडिटेड। तो कौन सा अकाउंट, डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, यस, सो विच अकाउंट गॉट डेबिटेड, कैश अकाउंट एंड डिविडेंड अकाउंट गॉट क्रेडिटेड। फाइन, सो लेट्स गो टू द लास्ट एंट्री चिल्ड्रन क्विकली, दैट इज पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक 200। नाउ स्टूडेंट, जैसे चेयर को हमने एक फर्नीचर के अंदर क्लासिफाई किया है, वैसे आप प्रिंटिंग बिल बुक को स्टेशनरी में क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है,
सो वॉट वी कैन राइट आइदर, हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इट इज एन एक्सपेंस, तो आप लिखो यहाँ पे लिखो स्टेशनरी, स्टेशनरी क्लासिफाई किया है इन द ब्रैकेट आप प्रिंटिंग, या स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी लिख सकते हो, फिर व्हाट दे हैव गिवन वही मैं लिखती हूँ यहाँ पे, प्रिंटिंग कंसिडर कर सकते हो इन द ब्रैकेट. व्हाट हैपन्स इज एन एक्सपेंस, ठीक है, आई जस्ट मेक दिस लिटिल बिगर, या बिल भी लिख देते हैं, इट इज बेटर. प्रिंटिंग एंड बिल बुक लिख लेती हूँ, ठीक है. कंसिडरिंग स्टेशनरी हमने कंसिडर किया है, यू आर पेइंग इट, तो सेकेंड आपका कैश इज गोइंग आउट, कैश गोज आउट, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अकाउंट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल क्लासीफाई इट एज स्टेशनरी, ओके. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट, या मेक इट, बिकॉज यू ऑल ऑल्सो शुड नॉट फील दैट प्रिंटिंग एंड बिल बुक लिख सकते हैं या नहीं, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर प्रिंटिंग एंड बिल बुक लिखा है, तो स्टेशनरी एंड, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ये हम कर सकते हैं अकाउंट, ठीक है. सो दैट स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग अकाउंट आप लिख सकते हो, इट विल इन्वॉल्व योर बिल बुक एंड ऑल, और आइदर यू कैन राइट इन द ब्रैकेट प्रिंटिंग अकाउंट. एनीवेज सेकेंड अकाउंट जो होगा वो होगा कैश अकाउंट, यू पेड ना, कैश गोज आउट. देन ऑब्वियसली स्टेशनरी अकाउंट क्या है स्टूडेंट्स, इट इज अ एक्सपेंस अकाउंट, और कैश अकाउंट हमारा क्या है, assets, ठीक है. देन क्विकली विल सी वॉट इज हैपनिंग इन द स्टेशनरी, देर इज इंक्रीज इन एक्सपेंसिज ना चिल्ड्रन, यू आर पेइंग फॉर इट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीज, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिटेड, एक्सपेंस, एंड यहाँ असेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आप लिखो डिक्रीज इन, डिक्रीज, डिक्रीज इन असेट्स, ठीक है. तो ऑब्वियसली कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे हम, स्टेशनरी, बिकॉज हमने उसको क्लासीफाई किया है स्टूडेंट्स, एंड इसीलिए प्रिंटिंग भी ऐड किया है, तो बिल बुक उसके अंदर आ जाएगा, वो कंसिडर करके प्रिंटिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड, विल बी डेबिटेड, एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ऑब्वियसली कैश अकाउंट, ओके. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी हैव डन इट, ओके. सो काइंडली प्रैक्टिस, वी हैव फिनिश्ड विद दिस एक्सरसाइज, आई मीन टू से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली टैकल इट, ओके. वन मिनट, या सो दिस इज इट चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी हैव फिनिश्ड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, यू आर कैन सी, ओके. सो आई होप दिस प्रॉब्लम विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, कीप रिवाइजिंग एंड कीप सॉल्विंग चिल्ड्रन, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, विल बी बैक विथ मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड मोर चैप्टर्स, टिल देन टेक केयर चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच.